मेरी अपनी पसंद केटीबी ड्वेल पेरिस। रांका ड्रेसेस अपोजिट विजय होटल लोहारवाड़ी रायचूर। नाजरीन आदाब, मैं आपका मेजबान जहीर, आप देख रहे हैं A1 TV। A1 TV में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। आज की अहम खबर, महबूब गुलशन गार्डन पर तवज्जो दीजिए चेयरमैन साहब। गुज़िश्ता हफ्ते हमने शहर के सबसे बड़े और सबसे क़दीम गार्डन महबूब गुलशन गार्डन के ताल्लुक से तफसीली रिपोर्ट पेश की थी और उम्मीद की थी कि बल्दिया इस तारीखी बगीचे पर तवज्जो देगी और इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए इकदाम करेगी, लेकिन बल्दिया ने आधी अधूरी सफाई के अलावा कोई ठोस इकदाम नहीं किया। कल फिर हमारे नुमाइंदा मोहम्मद असलम इस गार्डन मौजूदा हाल और अहवाल पेश किया। बल्दिया के साथ साथ आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो इस तारीखी बाग को साफ सुथरा रखे। खुसूसी तौर पर सदर बल्दिया विनय कुमार को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस बाग के सामने इनकी कमर्शियल इमारतें भी यहाँ हैं। जब कभी इन्हें अपनी होटल्स को जाना हो तो एक आधा घंटा महबूब गुलशन गार्डन के लिए भी निकाल ले, इसकी भी सैर करे और यहाँ की बद इंतज़ामी को अपनी आंखों से मुलाजा करते हुए इसको दूर करने के लिए इकदाम करे। उम्मीद के बल्दिया बहुत जल्द हमारे इस तारीखी बाग की हिफाजत के लिए कोशिश करेगी। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये कचरा देखिए, ये देखिए, नाजरीन पिछला हफ्ता हम आपको महबूब गुलशन गार्डन के ताल्लुक से रिपोर्ट पेश किए थे। आप देख सकते हैं कचरा उसी तरह भरा हुआ है जिस तरह आग पिछला हफ्ते में भरा हुआ था टंकी के अंदर। जगह जगह पर वही हालत है, पब्लिक देखें कितनी ज़्यादा है। हमारे जिम्मेदारान अब तक इस पर ध्यान नहीं दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें नाजरीन, पिछला हफ्ता भी हम आपको बताए थे इसी तरह से कचरा भरा हुआ है, ये देखिए। ये देखिए नाजरीन, रोड पर बंडी है, फ्रूट वगैरह बेचा जा रहा है और यहाँ पर जो है कचरा फेंका गया है। इस तरह से जो है गार्डन की हालत बनाई हुई है। ये देखिए, पिछले संडे के दिन भी हम आपको यहाँ की हालत बताए थे, ये जू का तू कचरा पड़ा हुआ है नाजरीन। यहाँ पर कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई है साफ सफाई की, आप देख सकते हैं। ये देखिए रंग, ये रंग मंदिर के तरफ का हिस्सा है, देखिए उसी तरह से गंदगी भरी हुई है जिस तरह हम आपको लास्ट इतवार को इसको रिपोर्ट दिए थे। ये देखिए लोग बाहर पेशाब कर रहे हैं, इसको ना तो रोका गया है लोगों को। हमारे जिम्मेदारान को कब इसका ख्याल आएगा पता नहीं, ये देख सकते हैं आप। लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, कचरा फैलाने से बचना चाहिए, कचरा सिर्फ डस्टबिन में डालना चाहिए। लोग भी गैर जिम्मेदारान हैं, लोग भी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और कचरा डस्टबिन में ही डालें, इधर उधर ना फैलाएं। A1 TV रायचूर के लिए मैं मोहम्मद असलम।